नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के स्टूडियो में। भाई दूज, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो भाई बहन ऐसा प्यारा शब्द है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं भाई दूज। तो भाई दूज को याद करके हम भाई दूज के बारे में कुछ ऐसी तमाम जानकारियाँ जो दर्शकों को शायद अभी तक नहीं मालूम होंगी, या मालूम होंगी तो हमारे द्वारा और भी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो हमारे साथ आई इंडिया के स्टूडियो में आज मौजूद हैं संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज, संस्थापक श्री कल्पतरु मानव सेवा संस्थान। आचार्य जी राधे राधे। राधे राधे। आचार्य जी, हमें आप ये बताइए, भाई दूज पर्व का महात्म क्या है तथा इसके पीछे क्या कथानक है? भाई दूज जी, एक तो शब्द से ही प्रतीत होता है कि भाई और बहन के प्रेम का ये पर्व मनाया जाता है जी, जी। और इसका जो है कथानक विशेष रूप से यम और यमुना से, सूर्य की दो संतानें जो हैं, एक तो यमराज जी और दूसरे यमुना महारानी। यमराज जी यमलोक पर अपना जो है शासन सत्ता जमाए हुए हैं और यमुना महारानी हमारे वृंदावन धाम में विराजमान हैं। तो दोनों का मिलन इसी दिन भाई दूज के दिन होता है, इसलिए इसको जो है भाई दूज के रूप में, या इसका एक दूसरा नाम यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। जी, जी। यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में इसका हम पूजन करते हैं जी। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि भाई दूज पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा इस बार? जी हाँ, भाई दूज पूजन का शुभ मुहूर्त, चूंकि ये मध्यान्ह काल का पूजन माना जाता है, तो ये 11 बजे से लेकर के और 1 बजे का इसका जो है विशेष पूजन का मुहूर्त होगा। साथ में ही एक जानकारी और दे देते हैं कि यमुना में भाई और बहन एक साथ में यदि हाथ पकड़ करके स्नान करते हैं इस दिन, तो उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। इसलिए ये जो 11 बजे से 1 बजे का मुहूर्त है, इस मुहूर्त में यमुना में भाई बहन हाथ पकड़ करके स्नान भी कर सकते हैं और इस पर्व का लाभ उठा सकते हैं जी। आचार्य जी, ये बताइए कि मैंने भी बहुत जगह देखा है और शायद बहुत घरों में होता भी है, ये बेरी का जो पेड़ की शाखा लाके लोग पूजा करते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, बेरी का जो पेड़ है, इसकी जो शाखा ला करके पूजन किया जाता है जी, जी। इसमें पूजन का, पूजन में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ जी। जबकि एक ये परंपरा मात्र है कि हमारे भाई बहने ये कामना करती हैं कि हमारे भाई के मार्ग में अच्छा। यदि किसी प्रकार के कोई कांटे हों तो हम उनको जो है तोड़ करके दूर कर देंगे और निष्कंटक जो है मार्ग हम अपने भाई का बना देंगे, जिससे हमारा भाई उन्नति के पथ पर प्रशस्त जो है अग्रसर हो सके, इसलिए वो कांटे तोड़ने का जो है विधान उसमें किया जाता है। बहुत सुंदर जानकारी दी आचार्य जी आपने। आचार्य जी, एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है कि ईंट का पूजन करते हैं और उसके बाद ईंट को तोड़ते हैं लोग मूसल से जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है ये भी सिर्फ उसी से रिलेटेड प्रश्न है जी, जी। और इसका जो है हमारे भाई के ऊपर जो भी मेहनत वाले कार्य हों, चाहे हमें जो है भाई के मेहनत के बदले कहीं पत्थर भी तोड़ना पड़े, तो बहनें ये कामना करती हैं कि हम पत्थर तोड़ करके भी अपने भाई पर किसी प्रकार की मेहनत या समस्या आने नहीं देंगे, बल्कि उनकी समस्या या उनकी मेहनत को हम स्वयं अपने सिर ले लेंगे, इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करती हैं ईंटे को या पत्थर को तोड़ करके जी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे।